अहमदाबाद में किसके चलते बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा? आखिर क्या मामला हो गई जो दिव्य दरबार हैदराबाद में नहीं लगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हरिराम, हम बात करेंगे कि अहमदाबाद गुजरात के दौरे पे बाबा चर्चों में रहने वाले अहमदाबाद में बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगा और रद्द करना पड़ा। आखिर क्यों बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी दरबार में लगाने पर मुश्किल पड़ गया और क्यों नहीं लगा, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से गुजरात के दौरे पर हैं अहमदाबाद में, उनका दिव्य दरबार 29 से 30 तक लगने वाली थी। वहीं पे भारी बारिश, बादल का डेरा आसमान में देखते हुए और ज़मीन पर जिस तरीके से पानी हुआ, जहां पर बाबा का दिव्य दरबार लगाना था वहीं पर पानी इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के कारण ये है कि बाबा को जिस तरीके से यह मौसम, समय, मौसम विभाग को देखते हुए यह बाबा का कार्यक्रम जो है रद्द करना पड़ गया। रद्द करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गुजरात में आईपीएल का फाइनल मैच भी खेलना जाना था रविवार को, जिस तरीके से वह मैच भी नहीं हुआ और उनको भी रद्द करना पड़ा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना जाना था आईपीएल का फाइनल जो गुजरात और सीएसके के बीच था। हम आपको बता दें कि दिव्य दरबार के लिए जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम सुर्खियों में और धर्मों को लेकर, हिंदू राष्ट्र धर्म को लेकर चर्चे में रहते हैं, वहीं पे दो दिन की 29 और 30 बाबा का दरबार लगना था, मगर इतना भयंकर बारिश हुआ वहां पर, जिस स्थल पर बाबा का दरबार लगना था वहां पर, कि बाबा की दरबार का जो है रद्द करना पड़ा दिव्य दरबार की कार्यक्रम। और कार्यक्रम रद्द करने के साथ साथ बाबा का बताया जा रहा है कि आज भी बहुत मौसम खराब है। खराब होने के कारण मौसम इतना खराब हुआ कि बाबा का दो दिन के दौरे पर, बाबा अहमदाबाद के दौरे पर थे, मगर इसको लेकर जिस तरीके से मौसम विभाग को अलर्ट और आसमान में बादल को देखते हुए ज़मीन पर पानी, जिस जगह बाबा का दरबार लगना था इसी के कारण बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना दरबार लगाने से रोका गया और बाबा नहीं लगाए, इसके कारण बाबा का जो दरबार है वो रद्द करना पड़ गया। वहीं पे देखना है कि बाबा की दिव्य दरबार जो 10 दिन तक चलेगी गुजरात में, आखिर कहां कहां। वैसे ही जो गुजरात में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि गुजरात के अंदर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे, जिस तरीके से बारिश के कारण मौसम विभाग ने पहले अलर्ट कर चुका है इस मामले को लेकर। अब देखना है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगला जो दरबार लगेगा वो किस तरीके से, या वो भी रद्द करना पड़ेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।